है, दिल्ली पिछले कई दिनों से शायद खुद पे ही शर्मसार है कि हमारे शहर में कैसी सरकार है। बाढ़ में जो हालात बने वो सब आपने देखे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया वो भी आप लोगों के सामने ही है, आप लोगों ने उसको स्थान दिया है। मगर कल दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई और उसे जिस तरह से स्थानीय विधायक ने दबाने का प्रयास किया, उसने हम सबको फिर शर्मसार किया है। और वो घटना कोई अकेली घटना नहीं है, उस बारे में अध्यक्ष जी प्रकाश डालेंगे। और साथ ही आज पुनः रैपिड रेल के मामले में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सरकार को झाड़ पिलाई है, तो मैं ये समझता हूं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि केजरीवाल सरकार को अब सत्ता में बना रहने का नैतिक अधिकार नहीं बचा है। माननीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद प्रवीण जी। मेरे साथ उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी, आज जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल का बेशर्मी से भरा नंगा चेहरा सबको दिखाया है, आपको ध्यान होगा रैपिड रीजनल रैपिड रेल के लिए जब इस सरकार ने पैसे देने से मना कर दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि आप हमें बताएं कि आपके विज्ञापन का खर्च कितना है। और आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार के विज्ञापन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप 1,000 करोड़ रुपए अपना चेहरा चमकाने के लिए तो खर्च कर सकते हैं, पर रीजनल रैपिड रेल जिससे शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, दिल्ली का विकास होगा, लोगों को आराम मिलेगा, यातायात सुगम होगा, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दिल्ली की सरकार को 415 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा है कि आप तुरंत 415 करोड़ रुपए जमा कीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर दिल्ली की सरकार को इस तरह से निर्देश दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली की सरकार का पूरा प्रशासन जो है वो फेल हो चुका है। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के विकास से कोई लेना देना नहीं, इसके एक नहीं अनेकों अनेक उदाहरण हैं। दिल्ली पिछले 12 14 दिन से लगातार बाढ़ के प्रकोप को झेल रही है, उसका एकमात्र कारण अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार है। आप दो दो साल एपेक्स कमेटी की मीटिंग नहीं करेंगे, आपको आपके अधिकारी बार बार याद दिलाते हैं कि यमुना की सफाई के लिए, यमुना की सुरक्षा के लिए, बाढ़ ना आए उसके लिए आपको मीटिंग करनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, लेकिन आप उन अफसरों की बात को नज़रअंदाज करते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको भ्रष्टाचार करना है। दिल्ली की जनता मरती है तो मरे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि दिल्ली में ये बाढ़ आई नहीं है, दिल्ली में ये बाढ़ अरविंद केजरीवाल की अकर्मण्यता, उनका विफल प्रशासन,
उनकी दिल्ली के जनता के प्रति उदासीनता ये कारण है जिसके कारण दिल्ली में बाढ़ आई। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि रीजनल रैपिड रेल की क्या उपयोगिता है, इसके आते ही मेरठ तक का सफ़र 60 मिनट का हो जाएगा, अनेक शहरों से इसको जोड़ा जा रहा है, तो जो विकास के काम जिनसे दिल्ली की जनता को फ़ायदा हो सकता है, लोगों का व्यापार बढ़ सकता है, लोगों का कारोबार बढ़ सकता है, आप उस काम को नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आपका कारोबार नहीं बढ़ रहा, आपको उसमें कमाई का रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए आप उस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं देंगे। और ये पहली बार नहीं है, प्रगति मैदान टनल के लिए भी नहीं दिया था, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो महिपालपुर वाला बेंच जुड़ना था उसके लिए भी पैसा नहीं दिया था। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता से दुश्मनी क्या है, क्या कारण है कि वो दिल्ली की जनता के वो काम जिनमें दिल्ली की जनता का विकास होगा, दिल्ली की जनता को लाभ होगा, उससे वो मुंह चुराते हैं। लेकिन अगर आपको भ्रष्टाचार करना होगा तो आप शराब की नीति कोविड काल में भी ले आएंगे, आपको भ्रष्टाचार करना होगा तो कोविड के समय में आप शीश महल खड़ा कर देंगे, आपको भ्रष्टाचार करना होगा तो प्री मानसून जो नाले साफ होने चाहिए थे आप वो नाले साफ नहीं कराएंगे, वो गाद उसी में जमा रहेगी। आज आपको भ्रष्टाचार करना है तो दिल्ली जल बोर्ड की हालत देखिए, दिल्ली में जनता के पास पानी पीने के लिए नहीं है। और जिसका जिक्र अभी प्रवीण जी कर रहे थे कि राड़ी में जो घटना घटी है वो कोई दुर्घटना नहीं है, महीनों महीनों से पानी जमा है और इतना पानी जमा हो गया कि ग्राउंड फ्लोर के घर डूब गए हैं। 3 साल का मासूम एक पूर्वांचली बच्चा, एक बिहार का बच्चा अपने घर में इसलिए डूब के मर गया कि दिल्ली सरकार अपने नालों की सफाई नहीं करा पाई, दिल्ली सरकार सीवर की निकासी का प्रबंध नहीं कर पाई। अपने घर में अगर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो अरविंद केजरीवाल को डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये है कि वहाँ के विधायक अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए उस परिवार पर दबाव डालते हैं कि आप डेड बॉडी को यहाँ से बिहार ले जाइए, उस घटना को छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसी सरकार होती है, ऐसी सरकारें चलती हैं, अपना काला चेहरा चमकाने के लिए आप 1100 करोड़ हजारों करोड़ रुपए आप विज्ञापन पर खर्च करते हैं, झूठे विज्ञापन देते हैं, झूठा प्रचार करते हैं। लेकिन जहां दिल्ली के विकास की बात आती है वहां आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन दिल्ली को लूटने के लिए आपके पास पैसा है। बेशर्मी से आप अपने घर में 8-8 लाख के पर्दे लगाते हैं, करोड़ों रुपए का मार्बल लगाते हैं, उसके लिए आपके पास पैसा है। और ऐसे असफल मुख्यमंत्री, नालायक मुख्यमंत्री, और जो जो किराड़े की घटना घटी है, मैं बार बार कह रहा हूं ये भयंकर लापरवाही है और ये पहली बार नहीं है। मेरे को जो जानकारी मिल रही है पिछले 8-10 महीने में किराड़ी में जो 2-3 बार हो चुका है, हम उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन इन मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार केजरीवाल ऐसे आसानी से बच के नहीं जाएगा। किराड़े की घटना हुई, दिल्ली में बाढ़ और सुप्रीम कोर्ट की फटकार, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं लगातार जिससे ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल इस मुख्यमंत्री पद के रहने लायक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कल 11 बजे इस नकारा मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके इस्तीफे की मांग को लेकर उनके कार्यालय पर हम प्रदर्शन भी करेंगे और मांग करेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है जो कि अपने घर में रह रहे बच्चे भी सुरक्षित नहीं रह सकते। आप सोचिए, अगर अपने घर में मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे दिल्ली में रह रहे हैं? कौन सी दिल्ली है ये? इतना बड़ा घोटाला है ये सीवर की सफाई का, जल बोर्ड का, जिसका एकमात्र जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है। तो कल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश
दिल्ली सरकार की अकर्मण्यता, उनकी असफलता, उनकी नालायकी को लेकर प्रदर्शन भी करेगी और मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगेगी। श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, अभी आप सभी को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और बाढ़ से जो दिल्ली में स्थिति खराब हुई, अनेक लोगों की मौतें हो गई, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल पिछले 3 सालों में विज्ञापन के ऊपर लगभग 1100 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन पिछले 8 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मुख्यमंत्री का चेहरे को चमकाने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। अरविंद केजरीवाल पिछले 8 सालों में विज्ञापन के ऊपर 3000 करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने लिए राजमहल बनाते हैं, उसके ऊपर 179 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, दिल्ली से लेकर मेरठ तक जो रैपिड रेल परियोजना है उसके लिए 415 करोड़ रुपये उपलब्ध नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो पैसा तो उनको देना ही पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी ने ठीक ही कहा कि प्रगति मैदान के साथ जो टनल बनाई गई है लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी, जिसमें 6 अंडरपास हैं, उसके ऊपर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च हुई है। 20% दिल्ली की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया, 212 करोड़ रुपया उनको देना था। मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली के चारों तरफ जो पेरिफेरल रोड बनाई गई उसके ऊपर केंद्र सरकार ने 27000 करोड़ रुपया खर्च किया। अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हर दिन दिल्ली में 60000 ट्रक्स आते हैं और इससे दिल्ली प्रदूषित होती है और दिल्ली में जो प्रदूषण है उसमें 40% जो योगदान है वो इन ट्रक्स का है। अरविंद केजरीवाल को 3700 करोड़ रुपया देना था, आप उनसे पूछिए क्या 1 पैसा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस महत्वपूर्ण योजना को रोका नहीं। ये जो आपकी टनल बनाई है उस योजना को रोका नहीं। अध्यक्ष जी ने ठीक ही कहा कि किराड़ी में पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत हुई है, उससे पहले 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से उन परिवारों को कोई किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।
मैंने हाल ही में मीडिया को जानकारी दी थी और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि केवल केवल हथनी जो हमारा जो बैराज है हथनी कुंड बैराज उससे केवल 3,59,000 पानी छोड़ा गया। 2013 में 8,08,000 क्यूसक पानी छोड़ा गया, 1978 में 7,00,000 पानी छोड़ा गया, तब दिल्ली नहीं डूबी, लेकिन 3,59,000 क्यूसक पानी छोड़ा जाता है तो दिल्ली डूब जाती है। अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि इन्होंने अपने नालों की सफाई नहीं करवाई, सीवर लाइनों की सफाई नहीं हुई। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मीडिया को लेकर चले साथ में कि जो इनकी ड्रेन नंबर 12 थी, जब बाढ़ आई तो उसका गेट टूट गया। इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर जाकर वह यमुना में के साथ जुड़ती है, तो इनसे पूछो तो सही भाई कि जब बाढ़ आती है, जब बरसात आती है, तो उससे पहले अपेक्स कमेटी या दिल्ली का जो फ्लड बोर्ड है उसकी बैठक होती है, लीडर पोजीशन उसके मेंबर होते हैं, उनको बुलाया जाता है। आप अपेक्स कमेटी की बैठक नहीं बुलाएंगे, आपकी जो ड्रेन नंबर 12 है उसका गेट टूट जाए उसकी जिम्मेवारी तय नहीं करेंगे, आप नालों की सफाई नहीं करवाएंगे, सीवर लाइन चौक पड़ी है आप उनकी ठीक ठाक से सफाई नहीं करवाएंगे, और दिल्ली में लगभग 13-14 लोगों की आपकी सरकार की लापरवाही की वजह से मृत्यु हो जाए तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जैसे अध्यक्ष जी ने पीछे भी कहा था कि उनके उन परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत प्रदान की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस? धन्यवाद।